क्योंकि आज फार्म संडे है और अभी हमारी पूरी फैमिली रेडी हो रही है और कुछ हमारे जो मेरी नंद है वो नाश्ता वगैरह कर रहे हैं और मम्मा जो हैं वो अभी रेडी हो रही हैं, तो जो मम्मा से भी बात करते हैं। फिर यहाँ हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? शुक्र खुदा। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग चर्च के लिए रेडी हो रहे हैं और मम्मा बाकी सब नाश्ता कर रहे हैं और अब देखिए टाइमिंग कितनी ज़्यादा हो चुकी है, तो जल्दी तैयार हो जाओ, चर्च चले। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और आसिफ भी रेडी हो रही हैं, तो बकाया सब भी अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हमारे कुछ, तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट कर लिया भी आपने? ये ब्रेकफास्ट नहीं किया। चलो ना यार, करो यार, चर्च के लिए लेट हो रहे हैं हम। ये ना हो गए, चर्च जाना है और चर्च आगे से खत्म हो गया। अलीना यार, आपने अभी तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया बेटा? जल्दी कर लो, हम लोग लेट हो रहे हैं। हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग निकलने लगे हैं चर्च के लिए। अमेलिया बस कर दो बेटा, जल्दी चलो। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आपसे मिलते हैं चर्च में। देख सकते हैं कि पाकमास स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स अभी सब प्रे कर रहे हैं, पाकमास ख़त्म हो चुकी है। हैप्पी पाम संडे बाजी। हैप्पी पाम संडे आसिफ। हैप्पी पाम संडे। बस ठीक ठाक फ्रेंड्स। आपको कराची में चर्च बहुत अच्छा? नहीं, सेकंड टाइम जो है वो हमने ऐश वेडनेसडे पे आए थे। चले फ्रेंड्स, हमारी पाक मास खत्म हो चुकी है। हैप्पी पाम संडे मेरी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से सबको हैप्पी पाम संडे। सेम टू यू मम्मा। और मम्मा, पाक कलाम कितना अच्छा था, और ये है कि जुलूस में तो हम लोग शिरकत नहीं कर सके, पर ये है कि चले हम लोगों ने जी, और पाक मास पूरी अटेंड की है हमने अच्छे से। आसिफ जो हैं वो कुल्फी ले रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे पीछे पड़ गए आसिफ के, हमें कुल्फी लेकर दो, और आसिफ का भी बहुत दिल कर रहा था खाने का, तो अभी आसिफ ने सबके लिए ली है। तो हम लोग चर्च से आ चुके हैं और अभी हम लोग करने लगे हैं खाना बनाने की तैयारी, और मम्मा लेकर आई हैं आलू मटर चिकन, और देखते हैं कि मम्मा लोग क्या कर रहे हैं, तो चलो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे सैरिश बाजी आलू काट रही हैं और महविश बाजी जो हैं मसाला भूनने लगी हैं। महविश बाजी तो बताएं हमारे फ्रेंड्स को आज क्या बना रहे हो आप? आलू चिकन का सालन, आलू कढ़ाई बहुत दफा खाते हैं। अच्छा, मतलब कि आलू चिकन मटर का सालन, ठीक है। बॉइल्ड राइस बना रहे हैं या तड़के वाले? हाँ, बॉइल बनाए। हाँ ना, सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारी मम्मा ने सारे मटर निकाल लिए हैं और बहुत मज़ेदार आलू मटर का सालन बनने वाला है आज फ्रेंड्स हमारे घर पे। जी मम्मा। अच्छा जी मम्मा, तो ये किसके लिए मंगवाए मम्मा? अच्छा, मेरे लिए मंगवाए मम्मा आपने? फ्रेंड्स तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मम्मा ने मंगवाए हैं मेरे लिए केक, जो मैं अब खाने वाली हूँ। मम्मा, मैंने दूध का भी कहा था। खाने में कितना टाइम है? रेडी हो गया? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा खाना रेडी हो गया है और फ्रेंड्स यहाँ पे सारे खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। फ्रेंड्स सब खाना खाते हैं। साई मामा, मम्मी फ्रेंड्स को टेस्ट करके खाना बताएं। टेस्ट बहुत जबरदस्त। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वॉशिंग मशीन लेने के लिए, मेरा और आसिफ का एकदम से प्लान बना है, तो अभी देखते हैं कि आज रीगल मार्केट खुली हुई है या नहीं खुली हुई, और संडे का दिन है तो इस वजह से कुछ कह नहीं सकते। चलो देखते हैं कि रीगल मार्केट खुली हुई है या बंद है, क्योंकि आसिफ कह रहे थे कि अगर खुली होगी तो ले आएंगे और अगर नहीं भी खुली होगी तो कोई बात नहीं, हम लोग कल चले जाएंगे। तो चलो भाई देखते हैं जाकर, ये तो अब जाकर ही पता चलेगा कि खुली हुई है या बंद है। हेलो आसिफ, प्लान बन गया आपका वॉशिंग मशीन लेने का? चलो आज का प्लान करते हैं, बस मूड पे है, चलो
क्योंकि लीगल मार्केट पता नहीं खुली हुई है नहीं, बट उठा के भरोसे पे निकल गए, देखते हैं क्या करते हैं। हाँ तो हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं और थैंक्स टू गॉड के मार्केट खुली हुई है। और चलें अभी हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं अपनी मशीन। तो ये देखें हमने एक मशीन निकलवाई है पर हमें ये समझ नहीं आ रही। और अभी हमने कैनवर्ड निकलवाई है, अब देखते हैं कैनवर्ड कैसी है। वैसे तो मुझे हायर बहुत पसंद है पर्सनली, पर अभी आसिफ कह रहे हैं कि कैनवर्ड भी देख लेते हैं क्योंकि मुझे हायर पसंद नहीं आई। हेलो दानिश, कैसे हो? अच्छा जी, तो आज आप कहाँ आए? आज मैं हॉस्टल से डायरेक्ट करते नहीं गया, बस मशीन लेने आया। अच्छा फ्रेंड्स, तो अभी दानिश को हमने पिक किया है क्योंकि दानिश की मम्मा की कॉल आई थी कि दानिश को हॉस्टल से लेना है क्योंकि इस तरह की छुट्टियां हो गई हैं दानिश की, तो इस वजह से हमने अभी दानिश को पिक किया है। और अभी दानिश हमारे साथ वॉशिंग मशीन लेने के लिए आया है। दानिश एकदम से ही आपका प्लान बना है आने का? अच्छा एकदम से प्लान बना है। अच्छा कितनी छुट्टा बातें चल रही हैं इधर? अच्छा हाँ, अभी ये डिस्कशन चलती रहेगी यार, रेट ही नहीं बन रहे, इतने हाई रेट से मिलिया। मैं तो भाई सुन के ही भाग के इधर आ गई हूँ इस साइड पे, मैंने कभी रहने दो, अब देखो क्या बनता है। अमिलिया तो क्या फाइनल हुआ है? कुछ नहीं, बस अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये वाली ले रहे हैं। कौन सी वाली? हाई रेट्स में, मैंने भाई को बोला है। चलो तो देखते हैं, दिखा दें एक बार। फ्रेंड्स तो आसिफ को ये मशीन पसंद आ चुकी है। और रेट्स आसिफ, रेट्स का क्या बना है? रेट्स कम किए या नहीं? क्या कितने की? 35,000 बस अभी भी ये कम करा के। फ्रेंड्स तो हमें ये मशीन पसंद आई है, हटें ज़रा अमिलिया, हम अपने फ्रेंड्स को दिखाएं। फ्रेंड्स तो आसिफ को ये मशीन पसंद आ चुकी है। और अंकल इसका टब कितना है? 10 kg इसका टब है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी जगह है, मतलब इसमें हम लोग ब्लैंकेट वगैरह वॉश कर सकते हैं अंकल, अगर सिंगल सिंगल ब्लैंकेट हो। अच्छा जी ठीक है। आसिफ तो ले रहे हम लोग ये वाली फाइनल है। मुझे तो इसका कलर बहुत पसंद आया, कलर मुझे अच्छा लगा ये। अच्छा जी मम्मा, हायर नहीं पसंद आई आपको? नहीं। अच्छा हायर नहीं पसंद आई। फ्रेंड आसिफ को कैनवर्ड पसंद आई है, तो इस वजह से हम लोगों ने कैनवर्ड ही डिसाइड किए। और अभी हम लोग कैनवर्ड मशीन ले रहे हैं। फ्रेंड्स तो फाइनली हम लोग मशीन ले चुके हैं और हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, पर यह है कि घर की एक चीज़ बन गई है हमारी। और आज का व्लॉग हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय।